हेलो एवरीवन, मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि ओरिफ्लेम ऐप से ज्वाइनिंग कैसे करते हैं। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है ज्वाइनिंग करने में, क्योंकि 1 जुलाई से चीज़ें अपडेट हुई हैं, चेंजेस हुई हैं। ठीक है, अभी मैंने अपनी ऐप को अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन किया हुआ था और मैंने इसको डायरेक्ट ही ओपन कर लिया है। एंड ओपन करने के बाद नीचे 5 लोगो बने हुए हैं, इसमें आपका शॉपिंग बैग के जो बराबर में लोगो हैं, आप इस पे टच करेंगे एंड देखिए यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया है। आपको यहाँ ईमेल आईडी डालनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, है ना। आप पढ़ के जो जो शो हो रहा है वही सेम डिक्टो मेंशन करते जाएंगे, जो उनकी जो भी वो आईडी सबमिट करने के लिए दे रहे हैं उस आईडी में जो भी मेंशन डिटेल है वही आप यहाँ फिल करेंगे, अदर डिटेल्स फिल नहीं करेंगे। अगर आप अदर डिटेल्स फिल करते हैं तो वो आईडी उनकी रिजेक्ट हो जाएगी और वो वीआईपी में चले जाएंगे। आफ्टर ज्वाइनिंग तो हो जाएगी बट वो वीआईपी में चले जाएंगे। अदर डिटेल्स से मेरा मीन्स है, जैसे कि सपोज़ करो वो जो भी अपनी आईडी सबमिट कर रहे हैं उस आईडी में जो एड्रेस है वो उनका करंट एड्रेस नहीं है, बट आपको वही फिल करना है आफ्टर ज्वाइनिंग। फिर जो उनका करंट एड्रेस है वो आप वापस से अपडेट कर सकते हो उनके आईडी में। ओके, नाउ ईमेल आपने भर दिया, उनका फिल कर दिया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर वो सबमिट करना है जो उनका इनकमिंग पर एक्टिव हो। ओके, एंड पिन कोड जब आप फिल करोगे तो स्टेट एंड सिटी ऑटोमेटिकली खुद से फिल हो जाते हैं। देन एड्रेस के बाद लोकेलिटी के बाद आप यहाँ पे फाइनल डिटेल में, ये 3 ऑप्शन है, इन 3 ऑप्शन में से फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होता है और आपको यही रहने देना है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपको तब चूज़ करना होता है जब आपको उस आईडी का स्पॉन्सर लेना हो, जैसे कि अभी फ़िलहाल में स्पॉन्सर गिफ्ट्स निकले हुए हैं। तो अगर हम सेकंड ऑप्शन चूज़ करके, सपोज़ देखिए मैं करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है, मैंने अभी यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है। सेकंड ऑप्शन जो हम चूज़ करते हैं ना, तो सेकंड ऑप्शन चूज़ करने से क्या होता है कि नीचे एक स्पॉन्सर नेम या स्पॉन्सर नंबर करके एक ऑप्शन नया ओपन होता है, वहाँ पर आपको उस अपने डाउनलाइन का कंसल्टेंट आईडी फिल करनी होती है जिसके अंडर आपको वो ज्वाइनिंग लगानी होती है। इससे बेनिफिट क्या होता है कि इस ज्वाइनिंग से जो स्पॉन्सर होगा वो आपको मिलेगा, बट पॉइंट्स आपको भी मिलेंगे और आपके उस डाउनलाइन को भी मिलेंगे जिसका आप यहाँ पर कंसल्टेंट नंबर फिल करोगे। ओके, एंड फिलहाल पॉइंट पर आते हैं तो आपको ये फर्स्ट ऑप्शन जो है आई एम द स्पॉन्सर, ये आपको ऑटोमेटिकली फिल होता है एंड ये आपको ऐसे एज इट ऐसे के ऐसे ही रहने देना है। ओके, और उन्होंने जो भी अपनी आईडी सबमिट करने के लिए दिए हैं वो आधार कार्ड लिखा हुआ है, ये है ना, आधार कार्ड के रो में जो ये ऑप्शन बना हुआ है, साइन बना हुआ है, इस पर आपने टच करना है। देखिए आपको वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आईडी वो सबमिट कर रहे हैं वो आईडी आप सेलेक्ट करके, एंड ड्राइविंग लाइसेंस कर रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी वो सेलेक्ट सबमिट कर रहे हैं वो ऑप्शन सेलेक्ट करके, और फिर उस आईडी पर एक नंबर दिया होता है, लंबी से डिजिट होती हैं जैसे कि आधार कार्ड पर भी होता है, बैक और फ्रंट पे, वोटर कार्ड पे भी होता है ना, ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस, हर हमारी आईडी पर एक काफ़ी लंबा सा डिजिट वाला नंबर होता है। डॉक्यूमेंट नंबर में हमें वो नंबर फिल करना होता है, डॉक्यूमेंट का नंबर। देन काफ़ी लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि KYC, ऊपर KYC का ऑप्शन है, नीचे पैन कार्ड का, पैन कार्ड में KYC सबमिट कर देते हैं और फिर उनकी ज्वाइनिंग VIP हो जाती है, फिर वो कहते हैं मैम हमारी ज्वाइनिंग VIP हो गई। आप खुद मिस्टेक कर रहे हो, ज्वाइनिंग करते टाइम बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ के और समझ के उनकी ज्वाइनिंग करो। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है KYC डॉक्यूमेंट का, तो आपने यहाँ सेलेक्ट करना, सेलेक्ट फाइल, है ना, फाइल, और यहाँ से आपकी जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी आपने, सपोज़ कीजिए ये 2 आईडी जो स्टार्टिंग में शो हो रही हैं, ठीक है, अभी बैक और फ्रंट की आईडी हम अगर ओरिजिनल सबमिट कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो प्लेन पेपर पे सिग्नेचर की हुई आईडी हो, लाइनिंग पेपर पे या कोई भी हल्का सा डिज़ाइनिंग पेपर पे सिग्नेचर नहीं चलेंगे। नहीं चलेंगे का मीन्स क्या है कि ज्वाइनिंग तो आपकी हो जाएगी बट वो रिजेक्ट हो जाएगी और वो VIP में चले जाएंगे, राइट। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि प्लेन पेपर के ऊपर सिग्नेचर करके उनकी आईडी लो। ओके, नाउ अब 2 आईडी हैं, दोनों आईडी को आप कैसे सबमिट करो, आप एक साथ उनको सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे। अभी ये हो नहीं रहा है, कोई नहीं, चलिए मैं अलग अलग करती हूँ, सेलेक्ट फाइल अगेन। देखिए यहाँ दोनों आईडी हो गई ना, हो गई सबमिट। काफ़ी लोग बोलते हैं मैम ये पेंडिंग लिखा आ रहा है, अब क्या करें, पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपलोड लिखा हुआ नहीं आना चाहिए, पेंडिंग लिखा रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बाय क्लिकिंग हेयर, ये टर्म्स एंड कंडीशन, इसे आई एक्सेप्ट करके एंड साइन अप,
साइन अप कर देना है और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। एंड आफ्टर ज्वाइनिंग जिसकी भी आपने ज्वाइनिंग किया उसका रजिस्टर मोबाइल नंबर पर SMS पहुंच जाता है। उस SMS में 3-4 SMS जाते हैं, उसमें से एक SMS होता है ब्लू लिंक वाला। उस ब्लू लिंक के SMS को आपको लेना होता है, अपने पास फॉरवर्ड कराना होता है, देन उससे उनका पासवर्ड जनरेट होता है। ओके okay?